हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आज हम बनाने जा रहे हैं लेचेस कॉफ़ी केक। खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और बनाने में बहुत इजी होता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच कॉफ़ी और चार चम्मच पानी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे एक कप रिफाइंड ऑयल, एक कप फ्रेश दही, एक कप कैस्टर शुगर। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे किसी विस्कर की सहायता से। अब यहाँ पर हम रखेंगे एक स्ट्रेनर और स्ट्रेनर में डालेंगे डेढ़ कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ये सभी चीज़ें आपको किराने की दुकान पे अवेलेबल होगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। और अब जो कॉफ़ी और पानी का घोल हमने तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब एक बड़ी कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स और उसमें डालेंगे एक कप नमक। रेगुलर यूज़ किया हुआ नमक है ये और इसे मैंने कई बार यूज़ किया है इसलिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। 15 से 20 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब हमारा घोल है वो भी थिक हो चुका है और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करेंगे दूध से। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है और उसे कट एंड फोल्ड मेथड से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। आधा कप दूध लिया था, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है और थोड़ा अभी और डालेंगे क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी है वो ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमें चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक ग्लास बाउल लेंगे और यहाँ पर मैंने स्क्वायर बाउल लिया है, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये मेरा हीट प्रूफ बाउल है। अगर आपके पास इस तरीके का बाउल ना हो तो आप रेगुलर केक टिन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई स्टील का डब्बा भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसमें सारा बैटर डाल देंगे एक कपड़ा रख के, इसे 2-3 बार टैप कर लीजिए ताकि इसमें एयर ना रहे। और अब जो हमने कढ़ाई गरम की थी उसके ऊपर हम इसे रख देंगे। पच्चीस से 30 मिनट हमें इसे पकाना होगा मीडियम फ्लेम पे, हाई हीट पे इसे नहीं पकाना है फ्रेंड्स। और अब हम लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे एक कप दूध, 3 से 4 टेबलस्पून दूध मैंने यहाँ पर रख लिया था, 2 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स होने तक पकाएंगे। दूध उबलने के लिए रख दिया है मैंने और अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉफी और 1 से 2 टेबलस्पून गर्म पानी। इस घोल को साइड में रखेंगे और अब जो हमने 2-3 टेबलस्पून दूध बचाया था उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच कोको पाउडर और 1 चम्मच मिल्क पाउडर। इन तीनों चीजों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध उबल गया है और अब हम इसमें कॉफी वाला घोल डाल देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने कॉर्नफ्लोर का जो दूध तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर हमें लिक्विड कंसिस्टेंसी का दूध ही चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी इस दूध की होनी चाहिए। और एकदम तैयार हो चुका है हमारा ये सिरप।
अब हम इसे एक जग में ट्रांसफर करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में छोड़ देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। और अब हमारा जो केक है वो बनकर रेडी है। हमने इसमें टूथपिक डाली है, वो बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब बिल्कुल पक चुका है केक। अब हम इसे कम्प्लीटली कूल करेंगे, यानी कि बिल्कुल ठंडा करेंगे, और ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद में हम इसके चाकू से किनारे साफ कर लेंगे। अब एक फॉर्क लेंगे और इसे प्रिक करेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो इसमें अब्जर्व हो जाए। अब जो हमने दूध ठंडा करने के लिए रखा था वो दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है, वो आधा दूध हम इसमें डाल देंगे और अब इसे भी रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 1 घंटे के लिए। जब तक हमारा केक ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पर क्रीम तैयार करेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर हैवी क्रीम ली है और अब इसे हमें बीट करना है। तो बीट तब तक करना है फ्रेंड्स जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए, यानी कि इसमें हैवी पीक्स ना बनने लगे। ये देखिए इसमें स्टिफ पीक्स बनने लगे हैं, इसका मतलब क्रीम हमारी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर। और इसे भी बीट कर लेंगे। शुगर हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्रीम होती है पहले से ही बहुत मीठी होती है, तो मैंने यहाँ पर शुगर ऐड नहीं की है। अगर आपकी बिना शुगर वाली क्रीम है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा केक जो है वो हमने फ्रिज से निकाल लिया है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। अब हम इस पर रखेंगे क्रीम। ऊपर तक हमें इसे फैलाना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सेट कर लीजिए स्पैचुला की सहायता से। ये हमारी जो क्रीम है ये पूरी सेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर क्रश करते हुए चॉकलेट डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे कोको पाउडर। थोड़ा कोको पाउडर डाला है और थोड़ी सी डाली है चॉकलेट। ये दोनों ही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर लीजिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी जल्दी हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरीके की वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाओ परफेक्ट। और अब इसे सर्व करने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमारा दूध था जो हमने तैयार करके छोड़ा हुआ था, वो दूध हमने यहाँ पर डालना है और इसी के साथ हमें इसे सर्व करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।